कुछ तो खेल रहा हूँ। सामने पड़ा है स्टंप जिस पर मैं बॉल मारूंगा क्या करूँ पता नहीं। मैं ऐसे ही खेल रहा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंडी मनु ब्लॉग में आपका वेलकम है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो। और अभी दोपहर 12 बजे का टाइम है। आज राजू स्कूल नहीं गया, राजू को बुखार था बट अभी ठीक है तो अभी खेल रहा है ऊपर और लाइट भी बंद है तो हमने यहाँ पे पी ली है अभी चाय। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना काम करूँगी और आज कपड़े तो नहीं धुलेंगे क्योंकि आज लाइट बंद है। लाइट आएगी सीधा शाम को 5 बजे। और आज अच्छे से धूप भी आ गई है, इतने दिन से धूप नहीं थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे हरे भरे खेत जो हमारे घर के एकदम सामने दिखते हैं। और राज भी पता नहीं कौन से गेम है ये जो खेल रहा है, क्रेट को ऐसे खड़ा करके उसके ऊपर फिर बास्केट रखता है और बास्केट तो हवा से ही उड़ गई। और यहाँ पे है हमारा टॉप फ्लोर और ये है विंडो, विंडो से हमारी सीढ़ियाँ, ये है सीढ़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है धूप में ज़्यादा नहीं। और नीचे हमारा सामने हॉल रूम है और ये मेरा प्यारा सा घर है। ये दोनों वाले कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो दूंगी। और जो सूख गए कपड़े वो मैंने सामने बेड के ऊपर रख दिए, वो बाद में जोड़ के रख लूँगी। और जहाँ पे मेरा स्टोर रूम है ये ओवरलॉक की मशीन है, यहाँ पे ओवरलॉक करती हूँ मैं। स्टिचिंग भी ऊपर ही करती थी यहाँ पे बट मशीन अभी स्टिचिंग वाली नीचे लेकर गई हूँ। तो ये एक्चुअली मेरा स्टिचिंग रूम था तो ओवरलॉक की मशीन है, बाकी सामान मेरा नीचे है। और ये है मेरी बालकनी और ये जो बेडरूम है ये जशनप्रीत का है। और यहाँ पे जो कपड़े पड़े हैं वो मैंने जोड़ने धोकर जो सूख गए, और ये रजाई भी मैंने धूप में रखनी इसको लेकर जाती हूँ। यहाँ पे है हमारी बालकनी, बहुत ही मस्त बालकनी, मुझे अपनी बालकनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इस तरीके से ये वाले रूम की ये विंडो है जो रूम जशनप्रीत का मैंने दिखाया था। और ये हमारी बालकनी, नीचे हमारा गेट और ये हमारी रोड। ये रजाई को बाहर धूप में रखनी है, जशनप्रीत की रजाई है। और यहाँ पे मैंने रजाई को खोल दिया है, पहले बड़ी वाली रजाई लेता था तो मैंने इसको सिंगल रजाई निकाल के दिए, तो इसको ऊपर धूप में रखूँगी आज पूरा दिन ताजो अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि बैग में पड़े पड़े कपड़े भी ठंड की वजह से ना ऐसे जैसे गीले हुए हैं। इसको भी मैं खोल रही थी, इसका ऊपर वाला कपड़ा ऐसा लग रहा था जैसे एकदम गीला है।
और ये राजवीर क्या लेकर आया है? ये एक है करंट वाला फैन, इसको अगर ऐसे करोगे तो करंट लगता है। पर कैसे कैसे? मम्मा ने अभी तक ट्राई नहीं किया। हाँ मैं करूँगी भी नहीं, मैं नहीं करूँगी। और आगे आगे व्लॉग हमारे बहुत अच्छे होने वाले, मैं और राजवीर ही बनाने वाली हूँ व्लॉग, है ना राजवीर? और आगे 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 हमारी जो जर्नी है जो आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत अच्छे व्लॉग भी आने वाले नए नए, है ना राजवीर? और राजवीर को सुबह तो बहुत बुखार था, रात को भी बहुत बुखार था, मगर अभी ठीक है। अभी स्कूल का टाइम निकल गया है, चाय भी पी ली, दोपहर हो गई। कल मेरे साथ एक हादसा हुआ। हाँ कल राजवीर के साथ हादसा हो गया, मैं, बताओ। मैं गया स्कूल, स्कूल पहुंचा, मैंने उतरना था, मैं पीछे वाली सीट पे बैठा था, वहां पर ना कुछ मेरे पैंट में फंस गया। जब मैं उतरने लगा मेरी पैंट सारी इतनी फट गई। और कल भी राजवीर घर पे आ गया, जैसे स्कूल भेजा स्कूल से आ गया घर, मैंने नहीं जाना, मेरी पैंट फट गई थी पीछे। और अभी इसको नई पैंट ला कर देंगे, बस अभी 15 दिन का स्कूल है तो एग्जाम है बस। हाँ तो अभी न्यू पैंट नहीं ला कर दूंगी, पुरानी को ही देखूंगी, वही डाल के जाएगा, ठीक है? और राजवीर जा रहा नीचे मूंगफली लेने के लिए, और मैं जहाँ पे कर रही हूँ ड्रेस की तुरपाई, क्योंकि लाइट नहीं है, नहीं तो मैं स्टिचिंग कर रही होती थी, बट अभी लाइट गई हुई है तो मैं अभी कर रही हूँ ड्रेस की तुरपाई। जहाँ पे मूंगफली लेकर आ गया राजवीर, ये हमारी लोहड़ी की पड़ी हुई थी, एक पैकेट हमने खा लिया था, अभी ये दूसरा पैकेट है, राजवीर खोलेगा अभी। कंपोक्स ना खोलना पूरा पैकेट नहीं, ऊपरों दी ऊपर से थोड़ा जा ओपन कर, ज़्यादा खिला रहा ना पा। और आज बहुत दिन के बाद धूप सेक रहे हैं मस्त अच्छे से, जहाँ पे जश्न पे की रजाई अच्छे से धूप लग जाए, आज साइड चेंज करते रहेंगे। और जो राजवीर ने मूंगफली खोल ली, अभी खाते हैं हम लोग मूंगफली। अरे गाइस आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे स्कूल की जो क्लास है ना जिसमें मैं पढ़ता हूँ, उसमें बिजनेस होता है। बिजनेस ये मैंने पेन क्लास से खरीदा नया, इसके ऊपर वो भी लगा है, वो जो इंक प्रोटेक्टर होता है वो अभी हट गया। इतना लगी मम्मा इंक, थोड़ी सी लगी। ये देखिए गाइस, ये भी न्यू पेंसिल ली थी ऑनलाइन से, ये मैंने सुना है कभी ख़त्म नहीं होती, पेन जैसी है। ये देखो इसको अगर आप लाइट, कभी ख़त्म नहीं होती, ख़त्म तो हो सकती है जितना लिखेंगे अगर अच्छे से लिखे तो। हाँ और यहाँ पर इसके अंदर एक इरेजर भी आ जाती है चौक जैसी, अगर आपको चौक डालना है स्कूल से आप चौक भी ले सकती हो। खा लो मूंगफली।